नमस्कार दोस्तों, रीएचपीएससी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हम लोग संसद के विभिन्न प्रकार के जो है टॉपिक, विभिन्न प्रकार के जो प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं, और इसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम लोग संसद के कार्य या शक्ति पर चर्चा करेंगे। संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश के विभिन्न प्रकार के राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों से यहाँ पर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और संसद का अगर कार्य देखा जाए तो ये बहुआयामी कार्यों का निष्पादन और निस्तारण लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में करता है। यद्यपि संसद का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह अन्य कार्यों का भी संपादन करता है। तो हम आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं और उन सभी भूमिकाओं को देखने का प्रयास करते हैं जो राज्य संसद के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसे देखने का प्रयास करते हैं। ये पहला कार्य है विधायी कार्य। संसद विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, और इसके द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होता है। संसद जिन विषयों पर कानून बनाता है वो सूचियों के माध्यम से विभाजित किया गया है, और संसद राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ साथ संघ सूची पर भी कानून बना सकता है। यद्यपि सामान्य स्थिति में संसद के द्वारा संघ सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है, राज्य सूची पर विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में प्रत्येक स्थिति में कानून बनाया जा सकता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः 99, 61 और 52 विषयों को रखा गया है, जिसके माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है। संसद सामान्य परिस्थिति में संघ सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करता है, वह समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकता है। राज्यों को भी समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, परंतु संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य घोषित हो जाता है जहां तक वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसमें संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, या दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, या तीसरा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्रभावी करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल यदि अपने 2/3 बहुमत से इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित करता है कि राज्य सूची के अमुक विषय पर संसद कानून बना सकता है, तो उस स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से दो या दो से अधिक राज्य भी अगर इस आशय का संकल्प पारित करते हैं कि इस विषय पर जो है संसद के द्वारा कानून बनाया जाए, तो वहां पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से संसद के द्वारा संघ सूची पर तो कानून बनाया ही जाता है, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाया जाता है, और विशेष परिस्थिति में वह राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। यद्यपि उसके लिए कुल मिलाकर 5 कंडीशन जो कि आप लोगों से बताया गया, उस कंडीशन में ये किया जा सकता है। यह है सूचियों के माध्यम से राज्य। एक और व्यवस्था है जिसको यहां पर देख लेना आवश्यक है कि संसद के पास समय और तकनीकी ज्ञान और विशिष्टता का अभाव होता है। संसद अपने विधि के खाका का निर्धारित करके मूल विधि के अंदर ही कार्यपालिका को कुछ कानून और विधि नियम उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, और राज्य संसद उन पर भी नियंत्रण स्थापित करता है जो कार्यपालिका के द्वारा इस आधार पर नियम उपनियम बनाए जाते हैं। इसे कहा जाता है प्रत्यायोजित विधायन या अधीनस्थ विधायन। प्रत्यायोजित या अधीनस्थ, इसे प्रत्यायोजित विधायन या अधीनस्थ विधायन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संसद के द्वारा विधि का खाका निर्धारित करके और उसके अंतर्गत ही, मूल विधि के अंतर्गत ही
नियम और उपनियम बनाने की जो शक्ति कार्यपालिका को प्रदान किया जाता है उसे प्रत्यायोजित विधायन या अधीनस्थ विधायन कहा जाता है। संसद के द्वारा कार्यपालिका के इस कार्य पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्योंकि विधि और कानून बनाने का कार्य मुख्य रूप से संसद का होता है। तो इस तरीके से विधायी कार्यों के अंतर्गत संसद देश में कानून का निर्माण करता है, वो समवर्ती सूची संघ सूची पर बनाता है, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर बनाता है, 5 कंडीशन है। और जो अधीनस्थ विधायन या प्रत्यायोजित विधायन वो कार्यपालिका को प्रदान करता है उन पर भी वो नियंत्रण स्थापित करता है। इसके लिए सदन में समितियां भी बनाई गई होती हैं जिसके माध्यम से संसदीय समितियां नियंत्रण करती हैं और अपनी रिपोर्टिंग संसद को करती हैं, जिससे संसद स्पष्ट हो पाता है। दूसरी स्थिति है कार्यपालिका, कार्यपालिका से संबंधित कार्य। कार्यपालिका बेसिकली संसद से, कार्यपालिका संसद से जो है बना होता है, और संसद जो है वो जनता के द्वारा चुना गया होता है, और ये जो है वो नीति का निर्माण करता है और योजनाओं को लागू करता है जिससे जनता के हित में शासन का संचालन किया जा सके। तो ये कार्य जो है जितना ही बेहतर होगा जनता के हित में, उतना ही अच्छे तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाएगा, उसके लिए विकास और कल्याण के कार्य हो पाएंगे। लेकिन चूंकि पूरी जनता इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, इसलिए संसद के द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्योंकि संसद जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा स्वयं जनता से आती है, इसलिए जनता के जवाबों का, सवालों का जवाब देने के लिए वो कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, ताकि कार्यपालिका के द्वारा सही ढंग से कार्यों का निस्तारण और निष्पादन किया जाना संभव हो सके। तो इस तरीके से कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण होता है। कई तरीके के संकल्प और प्रस्ताव होते हैं जिसके माध्यम से इस तरीके के नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न पूछकर, जैसे प्रश्नकाल होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रथम सूचना प्रश्न होते हैं, इसी तरीके से शून्यकाल में भी होते हैं, आधे घंटे की चर्चा होती है, अल्पकालीन चर्चा होती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए जाते हैं, निंदा प्रस्ताव लाए जाते हैं, इसके माध्यम से उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और इससे सवाल पूछा जाता है कि इन इन विषयों पर क्या स्थिति है। जैसे एक और स्थिति कई बार हम लोग विभागों में देखते हैं कि विधानसभा का प्रश्न है जिस पर उत्तर तैयार किया जा रहा है, तो वहां पर अतारांकित प्रश्न जो है विधानमंडल के द्वारा पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से केंद्र की अगर बात की जाए तो वहां पर संसद के सदस्यों के द्वारा पूछे जाते हैं जिसमें लिखित रूप से उत्तर की आवश्यकता होती है। अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर जो है वो विभाग में आता है, विभाग से कार्यालय को आता है, और कार्यालय के द्वारा उत्तर उसका तैयार करके वहां पर भेजा जाता है। तो ये व्यवहारिक स्तर पर स्थिति दिखाई पड़ती है, तो इसके माध्यम से वहां पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके लिए संसद में समितियां, जैसे अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, याचिका समिति, ये कुछ समितियां हैं जिनके माध्यम से इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कि वो जो भी आश्वासन दे रहा है और अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत जो ड्राफ्टिंग की गई है कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, उस पर वो नियंत्रण स्थापित करती है कि जनता के हित में किस हद तक कानून का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरीके से कार्यपालिका कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है वित्तीय, तीसरा है वित्तीय कार्य। ये एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गया वित्तीय कार्य। बजट पर, यानी कि वित्त से संबंधित जो कार्य है, बजट पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है, और यह व्यवस्था भी किया गया है कि बिना संसद के स्वीकृति के संचित निधि से धन ना तो आहरित किया जा सकता है और ना ही जो है व्यय और खर्च किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक की भी बात कही जाती है कि विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होता, और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। इसीलिए संसद जो है में सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाता है, और वो बजट पेश करने की जिम्मेदारी
आर्टिकल 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है, जहां पर लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में सदन में रखवाया जाएगा, संसद में रखवाया जाएगा। वहां पर बजट जो है, जो बजट होता है वो विभिन्न प्रकार के विभागों से जो है, विभिन्न प्रकार के विभागों की जो आवश्यकताएं होती, जो योजनाएं होती हैं, उनके खर्च को मिला करके जो व्यवस्था होती है उसे बजट कहा जाता है, और इन खर्चों को मांग कहा जाता है। और जब ये मांग यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और चर्चा मतदान के बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अनुदान मांग हो जाता है, वह मांग जो है अनुदान में बदल जाता है। तो इसलिए सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बजट रखा जाता है और बजट पर चर्चा और मतदान और स्वीकृति संसद के द्वारा किया जाता है, और संसद उसके बाद बजट के स्वीकृति पारित होने के बाद विनियोग विधेयक को पास करती है, वित्त विधेयक को पास करती है। जहां पर विनियोग विधेयक खर्च के लिए होते हैं, वहीं पर जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो सरकार के विभिन्न स्रोतों से संसाधनों के एकत्रित करने का एक माध्यम होता है, जिसे भी संसद के द्वारा पारित किया जाता है। बजट को पास करने के बाद संसद की समितियां होती हैं जो इस पे नियंत्रण करती हैं। बजट बनने के पूर्व में अगर देखा जाए तो प्राक्कलन समिति होती है जो नियंत्रण करती है, और उसके बाद यहाँ पर लोक लेखा समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति होती है। ये दोनों समितियां सरकार के विभिन्न प्रकार के विभागों में जो बजट का प्रावधान और आवंटन होता है उनके खर्चों के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट की जो है जांच और परीक्षण किया जाता है कि किस विभाग के द्वारा कितना धन दिया गया था, वो नियमों के अनुसार खर्च किए गए हैं कि नहीं, उन्हीं मदों में खर्च किए गए हैं नहीं, या वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन करते हुए किया गया है या नहीं, इन सारी बातों को इनके द्वारा देखने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा संसद की समितियों के द्वारा, तो इस तरीके से जो वित्तीय कार्य है वो भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला कार्य है निर्वाचन। निर्वाचन के संदर्भ में राष्ट्रपति का चुनाव वो राज्य के विधानसभा सदस्यों के साथ जो है संसद के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, 8 के 54 और 55 में इस बात की जो व्यवस्था और प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के भी जो निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिलकर के निर्वाचन की प्रक्रिया को जो है संपन्न करते हैं। और संसद में लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो सभापतित्व का कार्य करते हैं, यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तथा राज्यसभा में अगर देखा जाए तो वहां पर उपसभापति, क्योंकि सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में काम करता है, तो वहां पर केवल उपसभापति का ये चुनाव करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का ये चुनाव पहले ही कर चुके हैं। तो ये सारे कार्य भी इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संसद जो है वो आम चुनाव के लिए और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिनियम और उनकी व्यवस्था का भी नियम बनाता है। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आम चुनाव के लिए, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि के लिए जो चुनाव संपन्न होते हैं उसकी एक नियमावली है जिसे संसद के द्वारा बनाया गया है, और ये जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 भी बनाया गया है। ये कार्य जो है निर्वाचन के अंतर्गत आता है और संसद के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। न्यायिक कार्य अगर देखा जाए न्यायिक कार्य के रूप में जो है ये एक अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में भूमिका उस समय अदा करती हैं जब विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने के लिए इनके द्वारा जो है संकल्प पास किया जाता है, पारित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो यहीं से जो है संपन्न होता है, और इसी तरीके से उपराष्ट्रपति को हटाने का भी जो है संकल्प राज्यसभा में ही जो है, यानी कि संसद का एक अंग है राज्यसभा, वहां से जो प्रारंभ होता है उनको हटाया जा सकता है। इसी तरीके से निर्वाचन आयोग के सदस्य, इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय के, इसी तरीके से उच्च न्यायालय के,
इसी तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य इत्यादि की जो नियुक्ति तो भले राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसे हटाने की व्यवस्था वो संसद के ही अंतर्गत होता है, उस पर दोनों सदनों के द्वारा संकल्प पारित होना आवश्यक है, तदुपरांत वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। तो यह कार्य जो है एक न्यायिक रूप में वो संपन्न करते हैं और इस तरीके से अपनी न्यायिक क्षेत्र में भी भूमिका का निर्माण करते हैं। संसद के पास स्वयं अपने ही सदस्यों एवं बाहरी सदस्यों के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड देने के लिए भी नियम इत्यादि बनाने की जो शक्ति है, जो समय समय पर संसद के द्वारा बनाया जाता है। अगली महत्वपूर्ण जो है भूमिका है संविधान संशोधन। एक लंबे समय तक विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा चर्चा करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेने के बाद जो है संविधान का निर्माण किया गया था और अंतिम रूप से उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसा पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था कि भविष्य में हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में अंतर आए, कुछ परिस्थितियों में बदलाव आए, जहां पर संविधान के कुछ भाग में या किसी भाग में परिवर्तन की जरूरत हो, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान की गई है। ये 3 प्रकार से, एक तो साधारण जो है बहुमत से, आर्टिकल 2, 3, 4, 169 इसमें परिवर्तन करता है, एक है मौलिक अधिकार और एक है नीति निदेशक तत्व, तो इसमें विशेष बहुमत से परिवर्तन करता है। और इन सभी भागों को छोड़ करके कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां पर कम से कम आधे राज्यों के भी जो है अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की भी जरूरत होती, तो इन तीनों प्रावधानों के माध्यम से संविधान संशोधन के कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से संसद के कार्य को अगर देखा जाए तो चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, तो हम संसद के कार्य और शक्ति को जरूर देखें, उसके बारे में कंपाइलेशन के आधार पर जो भी उसकी बिखरी हुई शक्तियां इधर उधर हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उनको हम पॉइंट वार जरूर तैयार कर लें जिससे एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, वित्तीय कार्य, निर्वाचन कार्य, न्यायिक और संविधान संशोधन इत्यादि से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियम कानून बनता है और कोई संधि समझौते होते हैं, तो उसे भी अंतिम रूप से, यद्यपि राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इस पे जो है संसद जो है सहमति अपना प्रदान करते हैं, संसद में भी उसे रखा जाता है। इसी तरीके से जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर भी जो है इनके द्वारा उस पर अनुमोदन दिया जाता है। तो ये कुछ कार्य हैं जिन्हें समय समय पर संसद के द्वारा निस्तारित और संपादित किया जाता रहता है। तो इस संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण से हम संसद के कार्य को जरूर समझें और उनके उस भूमिका को जरूर समझने का प्रयास करें जिसके आधार पर ये बात सिद्ध हो सके कि संसद चूंकि जनता के द्वारा जो है उनके प्रतिनिधियों से बनी होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी होती है, इसलिए वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति संसद के पास ही होना चाहिए, चाहे वो बजट के क्षेत्र में हो, चाहे वो कानून निर्माण के क्षेत्र में हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के लेक्चर में जो है जो भी चीज़ें बताई गई उससे संसद के कार्य और शक्ति के बारे में एक सामान्य समझ आप लोगों में विकसित हुई होगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक है, आप अपनी तैयारी को अन्य विषयों के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ाते रहिए, और अगर चैनल पर आप सभी लोगों में से कोई भी नया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल वीडियोज के लिए टैप कर लीजिए ताकि सारे वीडियोज आप लोगों को समय से मिलते रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये वीडियो मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप कर देंगे तो आपको सारे वीडियोज जैसे ही अपलोड होंगे तैसे ही जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। पुनः एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।